सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी फिलहाल 9:30 बज रहे हैं और हम हैं मनाली में सेम होटल में। भाई मनाली में फिलहाल जो मौसम हो रहा है ना, इतना कैड़ा हो रहा है कि हल्की हल्की बारिश तो इधर हमारे होटल पे अभी हो ही रही है और ऊपर एज यूजुअल स्नोफॉल हो रहा होगा, 99% तो हो ही रहा होगा। और आज का दिन हम सोलंग वैली अटल टनल की तरफ जाएंगे, जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक कवर करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि भाई हमारा क्या मौसम होने वाला है। भाई ये सामने का वेदर आप चेक कर लो, बिल्कुल ही तो पैक है और बारिश हल्की हल्की आ रही है। और कल की तरफ उधर तो ऊपर तो स्नोफॉल रात को हो ही गया था। तो ये वाले पहाड़ है ना, ये जो स्नो आप देख रहे हो ये बिल्कुल फ्रेश है, ये रात को ही हुई है। क्योंकि हम जब शाम को आए थे ना होटल पे, तब शाम के टाइम पे ये वाली स्नोफॉल नहीं थी। पर कोई बात नहीं भाई, ऊपर तो स्नोफॉल पक्का हो ही हो रही है। हम कल गए थे, कल का दिन तो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब इतनी स्नोफॉल देखी हमने कल कि भाई अब दिमाग ऐसा हो रहा है कि भाई स्नोफॉल ना मिले क्योंकि हम अच्छे से आगे चले जाएं, सारी चीज़ें कवर कर लें। स्नोफॉल मिलेगी रास्ते में तो वो ही चीज़ है कि भाई हमें रोक देंगे। इसलिए हम थोड़ा सा आज जल्दी भी उठे हैं, सारी चीज़ें थोड़ी सी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी जाते हैं तो थोड़ा रश कम मिलेगा, क्या पता जाने भी दे आगे की तरफ। तो बस अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा मिलेंगे आपसे नीचे कार में। आ जा बाहर, इतनी मत शर्मा, कोई बात नहीं। सो दोस्तों आज अंजलि की आउटफिट चेक कर लो, अच्छे से दिखा दे। तो चलो भाई, तो भाई बहुत जल्दी से ही करते हैं अपने बहुत ही लाइट सा ब्रेकफास्ट। आधा पराठा लिया, थोड़ी सी भुजिया और भाई चाय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको करते हैं फिनिश, सीधा मिलते हैं फिर उसके बाद नीचे। भाई ये कति ऐसा लग रहा है जन के नाम है, जैसे सिक्किम साइड के नेपाल साइड के लोग ना रहे। अच्छा नहीं बेटा, बस आप लगाओ। चले भाई, रेडी है सब? रिजेक्ट कर दिया, सुंदर, नाइस नाइस, कोई बात नहीं, चलो। तो भाई हम आ चुके हैं अपनी प्यारी i20 में आज वापस। तो गाड़ी का 3 डिग्री अभी टेम्परेचर है और थोड़ा सा अभी गाड़ी को स्टार्ट किया है, जस्ट अभी बारिश आप देख सकते हो, बारिश आ रही है और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर मेंटेन करने देते हैं, 5-7 मिनट इसको करते हैं खड़ी, उसके बाद चलते हैं भाई आराम से आगे की तरफ। तो भाई जैसे आज बारिश हो रही है इतना, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि टनल पे तो जाने ही देंगे, क्योंकि जैसे हम ऊपर निकलेंगे स्नोफॉल तो पक्का मिलनी ही मिलनी है। तो बाकी ट्राई करते हैं सोलंग वैली तक पहुंच जाएं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं इस वजह से, टाइम अभी 10:00 बिल्कुल एग्जैक्टली। बट सोलंग वैली तक जाएंगे, वहां पे भी अच्छा स्नोफॉल हो रहा होगा और भाई जैसे रात को भी पूरी स्नोफॉल हुई है, कल भी पूरा दिन ही मेरे हिसाब से स्नोफॉल था, तो बर्फ तो काफी मिलेगी ही। और बाकी जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते हैं अभी। तो भाई निकलते के साथ ही बारिश तो देखो हो ही रही है और भाई ट्रैफिक और हो गया, सुबह 10:00 कितना ट्रैफिक है। और अभी तो हम माल रोड पे भी नहीं पहुंचे, माल रोड से भी 1 किलोमीटर पहले ही है। अकड़े पड़े हैं चाचा जी यार, भाई ट्रैफिक इतना लग रहा है, चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। सोलंग वैली की यही सबसे खराब बात होती है, अगर हम सीजन के टाइम पे आते हैं ना, सोलंग वैली पहुंचना ही इतना मुश्किल है। और आज हम टाइम से भी निकले हैं भाई, 10:00 होटल से निकले थे, 10:30 हो चुके हैं और अब भाई हम पहुंचे होंगे ज्यादा से ज्यादा 1-2 किलोमीटर चले होंगे और बारिश नॉन स्टॉप चली रही है। मौसम तो बर भाई जबरदस्त हो रहा है और ये लाइन तोड़ तोड़ के इधर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मोदी जी से दरख्वास्त है इनका चलान कराया जाए, नंबर आप देख लो। भाई सोलंग वैली का तो कोई प्लान बन नहीं पाया और भाई हम वापस मनाली के लिए नीचे की तरफ ही थोड़ा सा देख रहे हैं भाई क्या करते हैं। और स्नोफॉल हो चुकी है वापस से शुरू भाई, बहुत ही हल्की हल्की और थोड़ी सी मोटी मोटी स्नोफॉल हो रही है और ये मेन मनाली में ही हो रही है, ऐसा नहीं है सोलंग वैली में हो रही है, क्योंकि हम तो बहुत ही नीचे ही है, ऐसा ऊपर भी जा नहीं पाया। तो दोस्तों सीजन के टाइम पे जो सबसे बेकार चीज लगती है वो यही है कि भाई इतना रश होता है, इतना रश जिसकी वजह से हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। अब जैसे कि भाई हम सोलंग वैली जा रहे थे, वहां पे इतना ट्रैफिक, सब गाड़ी वापस मोड़ रहे हैं, तो इस वजह से चली नहीं रही थी गाड़ी। हम कम से कम 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर क्रॉस किया होगा। तो भाई घर वाले सारे परेशान हो गए कि भाई हम स्नो देखनी थी, स्नोफॉल तो हो ही रहा था वहां पे, बट इनको यूं था कि भाई बहुत सारी स्नो देखनी है। तो फिर मैंने एट द एंड इनको बोला कि भाई चलो हम तो पास ही लेके चल रहा हूँ तुमको, क्योंकि कल मैं गया था बहुत सारी बर्फ आपने देखी लास्ट वाले एपिसोड में। तो भाई आज घर वालों के साथ इनको हमता लेके चल रहे हैं, जतिन आ रहा है
जतिन को मैंने हमता पे मतलब मेन जो बैरिकेड है वहीं पे बुला लिया, तो जतिन वहां आ रहा है। मैं, अक्षय, जतिन और लाला हम चारों थार में चलेंगे, इन सबकी जिप्सी कराएंगे, 4x4 ही उनमें बैठ के चलेंगे। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी थोड़ा सा इंजॉय करना, बिकॉज क्योंकि घर वालों को भी स्नो दिखानी बहुत जरूरी है, इनके साथ आया था तो भाई इनको लेके चल रहे हैं आज, इनको सारी चीजें दिखाएंगे। तो थोड़ा सा सीन ये हो गया है। और सोलंग वैली की तरफ, अटल टनल की तरफ तो भाई जा ही नहीं सकते, सोलंग वैली से बहुत ही पहले रास्ते बंद कर दिए बताए हैं, क्योंकि ऊपर स्नो हो रही है अभी, और यहाँ चलते हैं, यहाँ भी स्नोफॉल तो होगी, तो बाकी स्नोफॉल का एंजॉय कराएंगे। मे बी आज कुछ अलग एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि भाई रात को पूरा स्नो हुआ ही है। तो चल रहे हैं, देखेंगे जो भी सारी चीजें होंगी उसको कवर करेंगे। दोस्त अपने आ चुके हैं, क्या हाल है लड़को? ज्यादा दिक्कत चल रही है, चल ठीक आ रहे हैं, कर लेंगे एडजस्ट। और भाई स्नोफॉल होगी शुरू, बच्चे चेक कर रहे हैं बहुत, हाथ बात निकाल गए भाई, और कितनी मोटी मोटी स्नोफॉल गिर रही है। नहीं यार ब्रो, ठंड लग रही ब्रो, ब्रो जाड़ा बहुत हो रहा है भाई। हाँ जी, कल हम तो घुमाए थे, बच्चा अन्न घुमा लो, बच्चों को भी घुमा लाते हैं। नहीं ये बेचारा दुखी हो रहा है कि बर्फ ना देखी, बर्फ ना देखी, तो मैं कोई बात नहीं, नई बर्फ दिखा के लाएंगे हम, तो एक बार फिर से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई जैकेट तो बहुत बुरी, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात कर रहा है यार ब्रो, पूरी फैमिली पूरी ड्रेस अप हो चुकी है, फुल पैक है, बिल्कुल इनको देख लो भाई। हाँ हाँ भाई, बाहर उतर चुका हूँ, और एक बार आप मौसम चेक कर लो, ये अपनी i20 खड़ी है भाई, अपना प्यार स्नोफॉल के पूरे एंजॉयमेंट ले रही है बेचारी खड़ी होके। आज इसको जहाँ खड़ी करके जाएंगे पूरी पे, मेरे को ऐसा लग रहा है जब हम वापस आएंगे पूरी बर्फ जम जाएगी। जतिन आगे पीछे वेट कर रहे हैं और दूसरी गाड़ी वाले सामान ले रहे हैं। भाई स्नोफॉल चल रही है बहुत ही बढ़िया, और अभी हम चल रहे हैं ऊपर, बहुत ही भाई स्नो, एक बार देखो मतलब हैवी स्नो शावर हो रहा है। तो चलते हैं भाई, बैठते हैं वापस, बाहर तो उतरते के साथ ही ठंड का प्रकोप होता है बहुत ही ज्यादा। तो भाई थार अपनी ये खड़ी है जिसमें बैठ के जा रहे हैं, बैठ जाओ तू पीछे जाके इतना। और भाई बाकी और गाड़ी भी यहाँ खड़ी करवा दी है, गाड़ी अपनी वैसे तो सेफ सी लग रही है पार्किंग, क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग है, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। और भाई स्नो आप चेक कर सकते हो भाई, जिसे कहते हैं ना भाई, बहुत ही बढ़िया वाला स्नो शावर आ रहा है जब हम वापस आएंगे भाई, बहुत ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई i20 तो पूरी ढकने वाली है। और यार स्नो शावर ऐसा हो रहा है ना, मेरा तो यहाँ से जाने का आगे मन ही नहीं कर रहा भाई। इन सब की अलग जिंदगी, बैरिकेडिंग पे हम गाड़ी पीछे रोक रखी थी बैरिकेड से, एकदम से ये सब ने बोल दिया के नाम है कि भाई अब बंद हो गया, बंद हो गया। गई है जितनी गाड़ी जा सकती थी इतनी गाड़ी चली गई है, हमारी एक गाड़ी तो निकल चुकी है जो टैक्सी करी है, दूसरी टैक्सी अब ऊपर जाके बताएंगे कि भाई दूसरी टैक्सी को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। ये चाचा वगैरह सारे यहाँ वेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से ही पहले बैरिकेड से आके निकाली है। देखते हैं जो भी सीन है, मतलब बहुत ही भड़क है यार। सीजन के टाइम पे अगर हम आते हैं, इतनी सारी दिक्कतें फेस करने को पड़ती है, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इसीलिए अपने ऑफ सीजन में आओ, मस्त रहो, स्नोफॉल स्नोफॉल कुछ भी नहीं है, सब 10 मिनट का खेल है। तो कह रहा हूँ कपड़ों दे दे, कपड़ों देखियो भाई कहीं हो तो। अबे इतना रिलैक्स मूड में मत रहो, करना पड़ेगा। आज तो स्नोफॉल कितनी प्यारी हो रही है यार, मोटी है, मोटी। आज तो बढ़िया सेक्स भरी हो रही है स्नोफॉल भाई। गाइस देखो, हम आपको यू ही रोज कुछ ना कुछ तूफानी दिखा रहे हैं। स्नोफॉल तो तगड़ी आज ही हो रही है, कल तो मतलब स्नोफॉल बस हड़की हड़की ही थी, नीचे स्नोफॉल फिर भी तेज थी। ब्रो मतलब जिसने कहा ना एक अलग चूतिया, वो है लाला लंबड़दार गाइस, जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट चूतिया, जेड चूतिया। और जितनी जितनी बार मैं चूतिया कह रहा हूँ उतनी बार मैं चूतिया चूतिया पे बीप लगाऊंगा, पर ये चूतिया जरूर आएगा। पर चूतिया चूतिया होता है, पर इतना बड़ा चूतिया, इतना बड़ा चूतिया चूतिया नहीं होता, इतना बड़ा चूतिया चूतिया चूतिया, भाई इतने में बीप नहीं लगेगा, गाना ही लगेगा। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे, पर भाई ये चूतिया पे मैं भाई मेहनत करूंगा, इतने में ही बीप लगाऊंगा। लाला ऐसे नहीं बोलते भाई, आज तो बस स्नो बोल रिपोर्ट करे तो भाई मेरा चैनल सस्पेंड करवा दे। कर पर
सो गाइस 4x4 पे हमने गाड़ी लगा दी अपनी थार और भाई चल रहे हैं ऊपर। भाई सिस्टम तो आज नेक्स्ट क्या हो रहे हैं। चल भाई चल शाबाश। लेकिन अब तू कहने में तुम्हारे मंत्री बार बार ड्राइवर ने देख ड्राइवर ने मत छेड़े। थोड़ा सा रिस्क की जगह तो है ही पर हम भाई रिस्क ले रहे हैं सिर्फ आपके लिए सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने नंबर वन व्लॉगिंग चैनल ले बनाया है जैकोलिंग। तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब करूंगा बिरी तो नहीं बोलूं। मेहनत करते रहेंगे बट फिर भी यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे ना। मैं चाहता हूँ कि भाई टक्कर ना लगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे एफर्ट्स को थोड़ा आप अप्रिशिएट करके दिखाओ। और मतलब देखो इतना सुनहरा नजारा हम आपको पेश कर रहे हैं जो भाई मेरे हिसाब से अभी तक ना ये मनाली में जो फर्स्ट ही व्लॉगिंग होगी जो मतलब इतना सिस्टम अभी दिखाया है। बाकी कर भी दियो ओनली ऑन एजे कॉलिंग पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल भाई घर जाते के साथ ही तो सबसे पहले मतलब इसी पे ही काम करना है फटाफट। नहीं मनु यस कहना जा रहा अक्षय सुनसान मत बैठे गति पूरे फनले कोई दिक्कत ना है। दिख रहा तुम्हें कुछ है ना फन कांतल है